राम मंदिर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि न्यास की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी। राम मंदिर निर्माण को लेकर दिल्ली में आयोजित हुई राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष नामित किया गया, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय को महामंत्री नामित किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अमरोहा पहुंची। राज्यपाल ने अमरोहा के गजरौला स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लगाई गई शिक्षण नवाचार प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि संवैधानिक दायरे में रहकर लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इसकी आड़ में राष्ट्रीय संपत्ति या जनहानि करने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रदेश सरकार शहरी मलिन बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को उसी स्थान पर पक्के मकान बनाकर देने जा रही है। 25 जून 2015 या उससे पहले मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों को इस सुविधा के लिए पात्र माना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि गैलेंट समूह द्वारा ग्राम सभा बसिया सहजनवा में प्राथमिक विद्यालय को आधुनिक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना, सामुदायिक केंद्र तथा गांव के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं को पूरा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 25 फरवरी को रक्षा और व्यापार समझौते सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर नई दिल्ली में विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। भारत सबसे स्वच्छ पेट्रोल डीजल अपनाने के लिए तैयार है और 1 अप्रैल से नए उत्सर्जन मानक भारत चरण 6 के अनुकूल ईंधनों की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां सबसे स्वच्छ पेट्रोल डीजल का उपयोग होता है। भारत सरकार की जीएसआई और उत्तर प्रदेश की खनिकर्म विभाग ने सोनभद्र जिले के 2 स्थानों पर लगभग 3000 टन सोने के भंडार के साथ अन्य कई महत्वपूर्ण खनिज अयस्कों का पता लगाया है। वर्ष 2005 से 2012 तक लंबे हवाई और जमीनी सर्वे के साथ गहन जांच प्रक्रिया के बाद ये सफलता मिली। बाराबंकी के जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में हुए फीस घोटाले के मामले में महाविद्यालय के 2 कर्मचारियों सहित बैंक कर्मी और 4 अन्य लोगों पर जालसाजी और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। छात्र छात्राओं से निर्धारित फीस से 3 गुना अधिक रकम वसूलते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शिवालयों पर सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा और प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गृह विभाग सुरक्षा हेतु पूरी सतर्कता बरते और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे। तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले के अंतिम स्नान महाशिवरात्रि पर्व पर गंगा, यमुना और सरस्वती में करीब 10 लाख श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाएंगे। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत श्री दिग्गज सिंह उच्चतर माध्यमिक कालिंदीपुरम इलाहाबाद स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। फतेहपुर के आईटीआई मैदान में 13 फरवरी से 19 फरवरी यानी कि एक सप्ताह तक चली भागवत कथा का समापन हो गया, जिसमें कथा व्यास के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति रहीं, जिन्होंने पूरे एक सप्ताह लोगों को भागवत कथा सुनाकर शांति और भाईचारे का संदेश दिया। लखनऊ के आंचलिक विज्ञान नगरी में आज से स्पोर्ट्स एवं फिटनेस दीर्घा का शुभारंभ किया गया। दीर्घा का शुभारंभ मेयर संयुक्ता भाटिया ने किया। इस फिटनेस दीर्घा में लोग खेल के साथ अपनी फिटनेस को ठीक रख सकते हैं।